हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्थ। कुल्थ को मैंने रात को नहीं भिगोया था, अभी सुबह उसको मैंने गर्म पानी में भिगोया था 1 घंटे के लिए। अब मैं इसको 2 से 3 प्रेशर दिलाऊंगी। मैं इसको 2 से 3 प्रेशर दिला के इसको बॉईल कर लूँगी। कुल्थ बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसका ऑयल गर्म कर रही हूँ और इसके लिए मैं प्याज काट लेती हूँ। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है, आगे शुरू करते हैं। इसमें मैं डालूंगी हींग, हरी मिर्ची 1 चटनी, बीच में से स्प्लिट करके डालिए, और मैं इसमें डालूंगी प्याज। इसमें प्याज को अच्छे से भून लूँगी। फ्रेंड्स, प्याज भूनने वाला है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, 1/2 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार। मैं पिंक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, आप यूज करते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने 2 टमाटर पीस लिए हैं चॉपर में। आप इसको काट के तो नहीं डालिए, छूट के डाल दिए, या तो फिर चॉप करके, छोटा सा चॉप करके डाल सकते हैं। अब मैं टमाटर भी इसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च, क्योंकि इसका कलर रेड होता है, तो इसका रेड कलर बरकरार रहे, येलो ना हो, इसलिए थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल हल्की सी हल्दी डाली और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें सूखा धनिया पीसा हुआ 1/2 चम्मच। अब मैं इसको भूनने देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टमाटर भूज गया है और ये है, मैंने थोड़ी सी सीडलेस इमली ली है और थोड़ा गर्म पानी डाला था इसमें, पर मैं अभी इसके बीच में इसको थोड़ा पका लेती हूँ और इसका थोड़ा खट्टापन इसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मसाला भूज गया है, इसमें वो खट्टापन भी उसका भूज गया है। तो अब मैं इसमें कुल्थ ऐड करूँगी। कुल्थी कुछ भी कह सकते हो, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ये सिर्फ विंटर्स में ही अवेलेबल होती है जम्मू कश्मीर में, और शायद पहाड़ों में भी होती है, शिमला में होती है, उत्तराखंड में होती होगी। तो ये सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, गर्मियों में नहीं मिलती है। तो ये अब विंटर स्टार्ट हो गई है तो ये मिल रही है, तो मैं ये लेके आई थी जम्मू से, जब मैं जम्मू गई थी दिवाली पर। तो मैंने कहा आज बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको आज बनाया। तो अब इसकी कुल्थी दाल जो है वो भी भूज जाएगी जब, तो भी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए दाल भुज गई है। अब जो इसमें जिसमें हमें बॉईल किया था वो वाला पानी इसमें ऐड कर दूंगे और थोड़ा सा और पानी डालूंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा और पानी डाल दूंगी। अब बस 1-2 बॉईल आ जाए तो फिर हमारी दाल तैयार हो जाएगी। दाल बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको धनिया से गार्निश कर लेते हैं। कुल्थ की दाल पथरी के लिए बहुत अच्छी होती है। पथरी को कुल्थ से निकल जाती है। मैं इसको धनिया गार्निश कर लिया। अब मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कुल्थ की दाल को मैंने सर्व किया राइस के साथ, साथ में हरी मिर्ची, प्याज और थोड़ी सी चटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।